हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट पॉडकास्ट हारना इम्पॉसिबल में। जी हाँ, मैं हूँ अनिमेश आपके साथ। और हारना इम्पॉसिबल के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपको एक ऐसी कहानी में सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे हारना इम्पॉसिबल। जी हाँ, आज बातें होने वाली है भाविना पटेल की। भाविना पटेल का सफर बेहद ही संघर्ष भरा रहा है। उनकी कहानी बेहद ही दिल जीतने वाली रही है। 6 नवंबर 1986 में गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। जब वे केवल एक साल की थी तब उन्हें पोलियो हो गया। उस समय भाविना के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी का वे इलाज करा सकें। हालांकि जब वे चौथे ग्रेड में पहुंची तब उनके पिता ने विशाखापट्टनम में उनकी सर्जरी कराई, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रिहैब के दौरान भाविना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके कारण उनकी अवस्था ऐसी ही रह गई। मिडिल क्लास फैमिली में ताल्लुक रखने वाली भाविना को फिर अपनी पूरी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर को ही अपनाना पड़ा। इसी संघर्ष के साथ भाविना ने अपने गांव में 12वीं तक की पढ़ाई की। तो देखा ना दोस्तों, एक साल की उम्र में ही इतनी सारी परेशानियां भाविना को आने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने पढ़ाई की, 12वीं का एग्जाम भी उन्होंने पास किया। भाविना ने शौक के तौर पर टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। यहाँ वे व्हील चेयर पर बैठकर ही टेबल टेनिस खेला करती थी, लेकिन उन्होंने अपने इस शौक को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दरअसल भाविना ने खुद को फिट रखने के लिए टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। इसके बाद साल 2014 में भाविना के पिता ने अहमदाबाद में दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाए गए एक संगठन में ले गए, जहां से भाविना के टेबल टेनिस के करियर की शुरुआत हुई। यहां पर भाविना को ये संगठन आर्थिक तौर पर मदद करने लगा। दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं, सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। भाविना ने भी मेहनत करना शुरू किया। दिन रात सुबह शाम वे टेबल टेनिस खेलती रही। जी हाँ, हम और आप जब टेबल टेनिस खेलते हैं तो बड़े आराम से शॉट लगा लेते हैं, लेकिन सोचिए जो इंसान व्हील चेयर पर है उसे शॉट्स मारने में कितनी दिक्कतें आती होगी। टेबल टेनिस खेलते हुए अब 3 साल हो गए थे। 3 साल बाद बैंगलोर में पैरा टेबल टेनिस में उन्होंने पहला गोल्ड पदक जीता, और इसके बाद भाविना ने अपनी एक पहचान बना ली। एक के बाद एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए वे मेडल्स जीतती रही। 2018 में एशियाई पैरा खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं 2019 के बैंकॉक में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एकल गोल्ड मेडल जीतने में भाविना सफल रही है। साल 2011 से अपने मेहनत और दुर्बलता को भूलकर भाविना ने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में शामिल होने में सफल रही, और इसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया था। कैसी लगी आज की कहानी जरूर मुझे बताइएगा। मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक हारना इम्पॉसिबल।